हेलो बच्चों, कक्षा 11वीं की लेखा शास्त्री क्लास में आपका स्वागत है। परीक्षा की दृष्टि से एक नंबर के कुछ प्रश्न हैं जो आज आपको मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसके अंतर्गत आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर आपको क्या करना है, लिखना है। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, जो प्रत्यक्ष कर होते हैं, प्रत्यक्ष मतलब दिखाई देने वाले जो कर होते हैं, उसका उदाहरण है किराया, वेतन, चुंगी या अशोध। तो उसका उदाहरण क्या है, चुंगी। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है, किस पर किया जाता है, लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, लागत या बाजार दोनों पर, लागत या बाजार मूल्य दोनों में से कम होने पर। तो इसका सही आंसर है लागत मूल्य। अगर व्यय खाता कैसा होता है, अगर व्यय तब जो है उनको देने हैं वह व्यक्तिगत खाते में होते हैं, वस्तुगत नाम मात्र खाता या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए है अगर व्यय होते हैं व्यक्तिगत खाते में। प्रत्येक समायोजन की प्रविष्टि की जाती है एक स्थान पर, दो स्थान पर, तीन स्थान पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसके आपको प्रत्येक समायोजन की प्रविष्टि दो स्थान पर होती है। आदत व्यय को चिट्ठे में पूंजी से घटाया जाता है, पूंजी में जोड़ा जाता है, व्यक्ति दायित्व पक्ष में दर्शाते हैं या संपत्ति पक्ष में दर्शाते हैं। तो इसका सही आंसर है इसको दायित्व पक्ष में क्या करते हैं, दर्शाते हैं। फिर है इसके बाद दायित्व दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पूर्व दत्तव्यय है उसको संपत्ति साइड में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तलपट में दिखाए जाने वाले अदत्वय को रखा जाता है, आर्थिक चिट्ठा, व्यापारिक चिट्ठा, लाभ हानि या इनमें से कोई नहीं। तो जो है इसका तलपट में दिखाए जाने वाले अदत्वय रखे जाते हैं आर्थिक चिट्ठे पर। माल दान में देना, मतलब जो माल है दान में देना कहलाता है, खर्चे में, हानि में, लाभ में या इनमें से कोई नहीं। तो जो अपना माल अगर दान में दिया वह कायम जाएगा, दान में दे दिया तो इससे अपन को कायम होगा, ये हानि में जाएगा। फिर है वह ऋण जो वसूल हो सकता है या नहीं, वह ऋण जो वसूल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, इसे कहते हैं संदिग्ध ऋण, अप्राप्त ऋण, अच्छा ऋण या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको वह ऋण जो इसको क्या कहेंगे, संदिग्ध ऋण होंगे जो जो वसूल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो वह संदिग्ध ऋण कहलाते हैं। इनमें से कौन सा समायोजन व्यक्तिगत खाता है, तो इनमें से कौन सा समायोजन व्यक्तिगत खाता है, डूबंट ऋण, मूल्यह्रास, अनुपार्जित आय या अंतिम किस्तम। तो इसमें आपको बता दूं अनुपार्जित आय हो जो वह क्या है, समायोजन व्यक्तिगत खाते में होता है। आपको ये कुछ एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो आप प्रत्यक्ष व्ययों का लेखा, जो आप प्रत्यक्ष व्यय है उनका लेखा खाली स्थान में करते हैं। तो जो आप प्रत्यक्ष व्यय है उनका लेखा काय में करते हैं, अपन लाभ हानि खाते में करते हैं। लाभ हानि खाते में करते हैं। पूंजी पर ब्याज, जो पूंजी पर ब्याज है लाभ हानि खाते में किस पक्ष पे जाएगा, जो होता है उसको विकलन पक्ष में लिखा जाता है। पक्ष में लिखेंगे विकलन, विकलन पक्ष में उसको लिखेंगे। हास खाली स्थान खाते के नाम की तरफ लिखा जाता है, जो हास होता है वह किसके किस पर लिखा जाता है, लाभ हानि खाते की तरफ लिखा, जो हास मतलब किसी भी मसले में
नाम खास खाते के नाम की तरफ लिखा जाता है। तो खास जो पूंजी उस पे लगता है, मशीनरी पे, भवन पर जो खास लगाए जाते हैं, वह कौन से खाते पे लिखा जाता है? लाभ हानि खाते पर लिखा जाता है। जो पूर्वदत्त व्यय होते हैं आर्थिक चिट्ठे में, उनको अपन संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। किस पक्ष में लिखते हैं? संपत्ति पक्ष में उनको लिखते हैं। सकल लाभ या हानि का अंतरण, जो सकल लाभ है हानि का जो अंतरण है, तो खालिस्तान खाते में करते हैं। तो वह कौन सा खाता होता है? ये भी लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाते में इनको क्या करते हैं? खाते खाते में करते। जिसका वर्ष के अंत में भुगतान किया जाना बाकी है खालिस्तान कहलाता है। वह व्यय जिसमें उसे क्या कहते हैं? आदत व्यय कहते। आदत व्यय कहलाता है। फिर अशुद्ध ऋणों का संचय को चिट्ठे में, जो अशुद्ध ऋण होते हैं उनको चिट्ठे में कहां लिखते हैं? देनदार, जो अशुद्ध ऋण होते हैं चिट्ठे में देनदार में से, देनदार में से घटाकर क्या करते हैं? दर्शाया जाता है। उपार्जित आय को आर्थिक चिट्ठी में, जो उपार्जित आय है उसको आर्थिक चिट्ठी में कहां लिखते हैं? संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। इसे जो उपार्जित आय होती है उसको आर्थिक चिट्ठी में संपत्ति पक्ष में जाता है। आदत व्यय को आर्थिक चिट्ठी में, जो आदत व्यय होते हैं उनको आर्थिक चिट्ठी में कहा लिखेंगे? दायित्व साइड लिखेंगे। किस साइड लिखेंगे? दायित्व की साइड में लिखेंगे। वे व्यय जिनका अग्रिम भुगतान कर दिया हो, तब जो पहले जिनका पहले से अग्रिम भुगतान कर दिया गया हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्वदत्त व्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे ये आपके एक एक नंबर के कुछ प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से आपको पूछे जाएंगे। फिर है एक शब्द में उत्तर दो, एक शब्द में उत्तर दो। शुद्ध बिक्री में से, मतलब जो शुद्ध बिक्री में से बिके हुए माल को लागत घटा देने पर जो रकम बचती है उसे कहते हैं? तब जो शुद्ध रकम, शुद्ध बिक्री में से बिके हुए माल को घटाकर लागत घटा देने पर जो रकम बचती है उसे कहते हैं सकल लाभ। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सकल, उसे कहते हैं सकल लाभ। इसका आंसर होगा सकल लाभ। व्यापार की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? जो भी व्यापार होता है उसकी वित्तीय स्थिति को दर्शाता है उसे आर्थिक चिट्ठा। क्या कहते हैं? आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। उसे आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। फिर है व्यापार खाते में बेचे गए माल की लागत को अंतिम स्कंध में लिखा जाता है। जो व्यापार खाता होता है, तो जो व्यापार खाता खाते में बेचे गए माल की लागत अंतिम स्कंध में कहां लिखते हैं? तो उसको अपन अंतिम स्कंध में कहां चिट्ठे में लिखते हैं? कहां लिखते हैं? चिट्ठे में क्या करते हैं? इसको लिखते हैं। फिर है लगातार उपयोग के कारण स्थायी संपत्ति में, मतलब जो लगातार अपन जो संपत्ति का उपयोग करते हैं उसको स्थायी संपत्ति में मूल्य में से, मतलब जो मूल्य होते हैं उसमें हानि को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, मतलब कोई भी जो अपन कोई वस्तु को लगाते हैं, मशीनरी हो गया, भवन हो गया, अपन इसको स्थायी रूप से क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। और इस मूल्य में हानि, इसकी जो मूल्य में हानि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ह्रास। क्या कहते हैं? उसे ह्रास कहते हैं। वह आय जो प्राप्त हो गई हो परंतु कमाई,
प्राप्त हो गई हो परंतु कमाई नहीं गई, किस नाम से उसे पुकारा जाता है? मतलब कोई आय प्राप्त हो गई है और आपने उसको कमाया नहीं, तो उसे किस नाम से पुकारेंगे? उसे पुकारेंगे आप अनुपार्जित आय। उसे क्या कहेंगे? अनुपार्जित उनको लिखते हुए उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। अनुपार्जित आय का संबंध किस वर्ष से है? जो अनुपार्जित आय होती है वह किस वर्ष के लिए होती है? अनुपार्जित आय आगामी वर्ष के लिए। आगामी वर्ष के लिए जो होती है वह क्या होती है? अनुपार्जित आय। पूर्वदत्त व्यय को लाभ हानि खाते में विपणन पक्ष में क्या किया जाता है? जो पूर्वदत्त व्यय होते हैं उनको लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में उनको क्या किया जाता है? तो उनको क्या करेंगे अपन, जो पूर्वदत्त व्यय है उसको लाभ हानि खाते में विकलन पक्ष से क्या करेंगे? इसको घटाया जाता है। क्या करा जाता है? घटाया जाता है। तलपट में कौन सा स्कंध नहीं लिखा जाता? तलपट बनाते समय आप उसमें कौन सा स्कंध नहीं लिखेंगे? तो अंतिम स्कंध, जो अंतिम स्कंध है वह नहीं लिखेंगे। संपत्ति और दायित्व का विवरण पत्र क्या कहलाता है? जो संपत्ति होती है और दायित्व, उनका जो विवरण पत्र होता है वह क्या कहलाता है? आर्थिक चिट्ठा कहलाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से आपको एक नंबर वाला जो प्रश्न है उनको आपके लिए आर्थिक चिट्ठा क्या कहलाता है? आर्थिक चिट्ठा कहलाता है। तो उसे क्या कहेंगे? आर्थिक चिट्ठा कहेंगे। फिर ये आपके एक बार के मैं उत्तर दें, कुल 10 थे, उसके बाद आपके लिए सही जोड़ी बनाइए। तो व्यय को जोड़ते समय, मतलब जो व्यय होते हैं उनको जोड़ते समय आपको क्या करना है? आपको एक नंबर के प्रश्न में सत्य असत्य बताइए। मूल्यह्रास केवल, मतलब जो मूल्यह्रास है केवल लाभ होने पर क्या करते हैं? लगाते हैं। तो जो मूल्यह्रास है केवल नहीं, ये आपको ये हो गया असत्य। पूंजी पर ब्याज को, जो पूंजी होती है उस पर जो ब्याज है उसको क्या करते हैं? घटाया जाता है। तो ये नहीं, पूंजी पर ब्याज पर घटाया नहीं जाता, ये भी क्या हो गया? असत्य। फिर एक नाम मात्र व्यय की तरह खास नगद भुगतान होता है, तो नहीं, आपको मतलब जो खास है नगद भुगतान नहीं होता, इसलिए क्या है? ये भी होगा आपका असत्य। फिर अनुपार्जित आय का लेखा संपत्ति पक्ष में करते हैं, वो जो अनुपार्जित आय है उसका लेखा संपत्ति पक्ष में करते हैं, नहीं, ये हो गया असत्य। जब अंतिम रहतिया तलपट में दिया हो तो उसे केवल चिट्ठे में लिखा जाता है। जो अंतिम रहतिया है, अगर उसमें आपको जो अंतिम रहतिया है वह अगर तलपट में दिया जाता है तो उसमें क्या करते हैं अपन? उसको तलपट तक चिट्ठे में अपन क्या करते हैं? उसको लिखा जाता है। ये भी आपका आंसर होगा इसका सर। स्थाई संपत्ति की लागत की व्यवस्था की
लागत व्यवस्था की प्रक्रिया हास है, ये भी क्या है सत्य है। जो स्थायी संपत्ति है उसमें अपन क्या करते हैं हास लगाते हैं, ये प्रक्रिया व्यवस्था कह रही है हास के सत्य। आहरण पर ब्याज पूंजी में जोड़ा जाता है, जो आहरण पर ब्याज जोड़ना तो नहीं, ये भी क्या है असत्य। पूंजी पर ब्याज व्यापार की आय है, मतलब जो पूंजी पर आपको मतलब जो पूंजी उस पर आपको ब्याज प्राप्त हो रहा है वह आपका आय है, ये भी क्या है असत्य। फिर है आहरण की पूंजी में, जो आहरण की पूंजी में से आहरण पूंजी में से घटाया जाता है उसे ये क्या है सत्य। फिर है अनुपादित आय को चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में लिखते हैं, नहीं ये हो गया असत्य, इसको संपत्ति पक्ष में ये परीक्षा की दृष्टि से आपको एक एक नंबर वाले कुछ प्रश्न उत्तर थे आप उनको पढ़ोगे और याद करोगे। धन्यवाद।